प्रभात बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं नेहा सिंह। शुरुआत करते हैं खबरों की। इलेक्शन कमीशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा में दिए गए संपत्ति का बंटवारा वाले बयान पर जांच शुरू कर दी है। पीएम मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो लोगों की संपत्ति को ज्यादा बच्चों वालों में बांट देगी। साथ ही पीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उस टिप्पणी का भी जिक्र किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। पीएम मोदी के इस बयान के खिलाफ कांग्रेस और सीपीआईएम ने चुनाव आयोग में अलग अलग शिकायतें दर्ज कराई थी। कांग्रेस ने इस बयान को विभाजनकारी, दुर्भावना से भरा और समुदाय विशेष को टारगेट करने वाला बताया था। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसे लेकर हाई वोल्टेज प्रचार अभियान बुधवार शाम को थम गया। 26 अप्रैल को केरल की सभी 20 सीटों पर, कर्नाटक की 28 में से 24 सीटों पर, राजस्थान की 13 सीटों पर, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की 8-8 सीटों पर, मध्य प्रदेश की 7, असम और बिहार की 5-5 सीटों पर, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की 3-3 सीटों पर, जबकि मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में 1-1 सीट पर मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के आगरा, बरेली और शाहजहांपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के मुरैना में भी वे एक रैली करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज हैदराबाद की जहीराबाद विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 25 अप्रैल को यानी आज कन्नौज लोकसभा सीट से नामांकन करेंगे। समाजवादी पार्टी के अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर 24 अप्रैल की देर शाम इसकी जानकारी दी गई। अखिलेश यादव ने भी इटावा में कहा था कि जब नामांकन होगा तब सबको जानकारी दी जाएगी। 22 अप्रैल को समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव को कन्नौज से टिकट दिया था। कार्यकर्ताओं की मांग पर अखिलेश यादव स्वयं चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। बिहार के पटना में बदमाशों ने जदयू नेता सौरभ कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी है। सौरभ कुमार अपने दोस्त मुनमुन के साथ रात 12 बजे कार से एक शादी के रिसेप्शन से लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 4 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली सौरभ कुमार के सर में लगी है। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना फैलते ही गांव के लोगों ने सड़क पर जाम कर दिया। लोगों ने पटना पुनपुन मार्ग को जाम कर जमकर प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। बीआईटी सिंदरी के अंतिम वर्ष के 4 छात्र रितेश, प्रियांशु, मालवीय, तेज प्रताप सिंह, तनवीर अंसारी और तृतीय वर्ष के एक छात्र शिवानंद मोदी ने मिलकर दिव्यांगों के लिए एक आधुनिक इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल बनाई है। ये सभी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग विभाग के छात्र हैं। यह 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। 24 वोल्ट की बैटरी को एक बार चार्ज करने पर 30 किलोमीटर का सफर तय किया जा सकेगा। बैटरी चार्ज करने के लिए इसमें सोलर और डायनेमो होगा। इसकी बैटरी चलते समय स्वतः चार्ज होती रहेगी। एनटीए ने जेईई मेंस के अप्रैल सत्र के नतीजों की घोषणा बुधवार देर रात कर दी। इसके नतीजे jeemain.nta.ac.in पर देखे जा सकते हैं। इस बार जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाइंग परसेंटाइल 5 साल का सबसे ज्यादा रहा। जेईई 2024 में 56 छात्रों ने 100 परसेंटाइल हासिल किया। राजवार 100 परसेंटाइल में सबसे अधिक तेलंगाना के 15, आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र के 7 साथ दिल्ली के 6, राजस्थान से 5, कर्नाटक से 3, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा से 2, उत्तर प्रदेश व बिहार से 1-1 छात्र शामिल रहे। रांची के जेवीएम श्यामली के छात्र प्रियांश प्रांजल का ऑल इंडिया रैंक 30 आया है। फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन को बुधवार को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 5 मंगेशकर भाई बहनों में सबसे बड़ी लता की 2022 में मृत्यु हो जाने के बाद परिवार और ट्रस्ट ने सुर सामग्री की याद में पुरस्कार की स्थापना की। बिग बी को यह सम्मान 24 अप्रैल को लता मंगेशकर के भाई बहनों ने पिता दीनानाथ मंगेशकर के स्मृति दिवस पर दिया। पुरस्कार ग्रहण करते हुए अपने संबोधन में बिग बी ने कहा, मैंने कभी खुद को इस तरह के पुरस्कार के लायक ही नहीं समझा, लेकिन हृदयनाथ मंगेशकर जी ने बहुत कोशिश की कि मैं यहाँ आऊं। पिछले साल उन्होंने मुझे इस समारोह के लिए भी आमंत्रित किया था। अभिनेता ने कहा कि वह आज यह पुरस्कार पाकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आईपीएल का मुकाबला आज होगा, जो हैदराबाद में खेला जाएगा।
आईपीएल 2024 के 40वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स का सामना गुजरात टाइटंस से हुआ था। मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया था। आईपीएल 2024 के 40वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस को 4 रन से हरा दिया था। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 224 रन बनाए थे। कप्तान ऋषभ पंत ने 43 गेंदों में नाबाद 88 रन और अक्षर पटेल ने 66 रन बनाए थे। गुजरात की टीम 8 विकेट पर 220 रन ही बना सकी। यह गुजरात की दिल्ली के खिलाफ लगातार दूसरी हार है। इससे पहले अहमदाबाद में भी दिल्ली ने गुजरात के खिलाफ 6 विकेट से जीत हासिल की थी। बिहार में मौसम के गर्म मिजाज से फिलहाल राहत की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही। बिहार के कई जिलों में तापमान अभी और चढ़ने वाला है, जबकि गर्म हवा भी परेशान करने वाली है। वहीं झारखंड में भी मौसम का पारा तेज होता ही नजर आ रहा है। झारखंड में बीते 2 दिनों से तापमान लगातार बढ़ रहा है। वहीं दिल्ली में भी लोगों को गर्मी से हलकान नहीं मिल रही है। लोग गर्मी से हलकान है, कोई भी कमी तापमान में नहीं आने वाली है। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए प्रभात। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।